जय जगन्नाथ। मैं रविंद्र आप सभी को स्प्रेड द नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल में कैसे डीएससी साइन होते हैं। काफ़ी बार आपको देखा होगा कि आप जब सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल ओपन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट मान लो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फॉर्मेट है, ओपन करने के टाइम पे आप देखे होंगे कि स्लो मोशन पे ओपन हो रहा है और सिग्नेचर्स आर वैलिडेटिंग, इस तरह का आप देखा होंगे। तो एक्चुअली वो चीज़ क्या है? हाँ, वही चीज़ है जो पर्सन सर्च अथॉरिटी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनका साइन थ्रू डीएससी करके आपको दी है। तो अभी हमारा काम है हमारा खुद का डॉक्यूमेंट को हम कैसे हमारा साइन को थ्रू डीएससी द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन करने का पहले आपको दोनों चीज़ों ऊपर में ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट चीज़ वो है जो पीडीएफ सॉफ्टवेयर है आपको Adobe Acrobat सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, नहीं हो तो आपको गूगल पे जा करके डाउनलोड करना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ है आपका जो डीएससी है वो प्रॉपर वैलिड ड्यूरेशन होना चाहिए। फर्स्ट में यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन करना, ठीक है। ओपन करने का बाद आपको आपका डीएससी सिस्टम पे इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि प्रोक्सकी टोकन इंसर्ट है, इसका मतलब मेरा डीएससी हो गया है कंप्यूटर। सिंपली यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा टूल्स को, ठीक है। टूल्स को जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सर्टिफिकेट से, ठीक है, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट दिखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन है डिजिटल साइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि यूजिंग योर माउस क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द एरिया, इसका मतलब जो एरिया में मेरा साइन रखना है वहाँ पे मेरे को क्लिक एंड ड्रैग करके एरिया चूज करना है। यहाँ पे मैं ओके यहाँ पे प्रेस करता हूँ। सपोज मेरे को यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। तो क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद मेरा डीएससी का जो नेम है, मेरा नाम रविंद्र सिंह है, यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेजेस ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे साइन ऊपर पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो मांग रहे हैं कि आपका जो डिजिटली पीडीएफ फाइल साइंड है आपको कहाँ पर सेव करना है। सपोज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो एक नया नेम यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सेव करने बाद वो आपको मांग रहा है कि आपका पिन क्या है। वो पिन है आपका डीएससी का पिन है, यहाँ पे मैं पिन दे रहा हूँ, ठीक है। पिन देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। देखिए मैं क्लोज करके ओपन और से ओपन कर रहा हूँ। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करने के लिए मैं दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको टूल्स को जाना है। टूल्स को जाने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिजिटल साइन ऊपर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके मार देना है और यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे मेरे को चूज करना है एरिया, ठीक है। एरिया चूज करने के बाद मेरा नाम यहाँ पे आ गया है, कंटिन्यू करके क्लिक करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर आप जो कस्टमाइज करेंगे तो आप यहाँ पे क्रिएट ऊपर में जाएंगे, ठीक है। क्रिएट में यहाँ पे दो चीज़ें, फास्ट जो लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला में आपको आपका नाम रखना पड़ेगा, आपका आपका नेम, या फिर आप ड्राइंग कर सकते हो या फिर आपका कोई इमेज होता है आप डाल सकते हो।
और राइट साइड में जो है वो बाय डिफॉल्ट आएगा आपका टाइमिंग जोन, आपका नेम जो डीएससी रजिस्ट्रेशन हुआ है इस तरह का आएगा। आप जस्ट कस्टमाइज कैसे करेंगे ना, जो लेफ्ट साइड वाला है लेफ्ट साइड का कस्टमाइज ऊपर में है और जो राइट साइड का कस्टमाइज यहाँ पर है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले में कस्टमाइज क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे रख सकते हो, नहीं चाहेंगे तो यहाँ पे नहीं रख सकते। और यहाँ पे आप ड्रॉ में जाएंगे तो सपोज में यहाँ पे मेरा कुछ ड्रॉ इस तरह का करूँगा और अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे इस तरह का ओपन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और इमेज यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, आप चाहेंगे तो इमेज को यहाँ पे ब्राउज करके ले सकते हो, और नॉन तो आप पता है कुछ नहीं करना है। और जो राइट साइड वाला है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम डेट लोगो तीनों ही यहाँ पे दिया है। देखिए जो पीडीएफ का लोगो आपको पता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लोगो हट गया है, तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो लोगो आ जाएगा, ठीक है। डेट ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो डेट हट गया है, फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डेट आ गया है। नेम ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो नेम नहीं आएगा, फिर से क्लिक करूँगा तो नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजन दिया है कौन सा बेसिस पर आप साइन करे हो, और यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश नेम दिया हुआ है। डिस्टिंग्विश नेम मतलब आपका डीएससी जिस नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनका एड्रेस वगैरह पिन कोड वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सारा चीज़ आपका आ जाएगा आफ्टर सेव करने के बाद, ठीक है। तो उसका बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एडोब एक्रोबैट वर्सन, आप चाहेंगे तो आपका पीडीएफ जिस वर्सन हो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। और लोकेशन आप चाहेंगे तो आप जिस लोकेशन पे पीडीएफ फाइल साइन हो रहा है जिस लोकेशन आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और लेबल्स, लेबल्स मतलब वो है, यहाँ पे देखिए मैं लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ओनली कॉमन नेम आ रहा है और टाइमिंग जोन आ रहा है, और यहाँ पे मैं लेबल ओपन में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ इस तरह का आ रहा है। और वो तो आपका फास्ट ऊपर में काम हो गया है, लेफ्ट साइड में काम हो गया, बाकी रह गए हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का काम है वो जो लेफ्ट वाला में नेम था और राइट वाला में आपका टाइमिंग जोन था, आप चाहेंगे तो नेम को आपको राइट को ले आएंगे और जो टाइमिंग जोन है आपको लेफ्ट को ले आएंगे। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा नेम राइट साइड को आ गए हैं और ऑटोमेटिकली टाइमिंग जोन लेफ्ट साइड को आ गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने का बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि लॉक डॉक्यूमेंट आफ्टर साइनिंग, ठीक है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब डिजिटली साइन कर रहे हो तो इसलिए मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर सेविंग ऑल दी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे ऑलवेज लॉक करना है। आप जब लॉक करेंगे तो आपका पीडीएफ फाइल को कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन ऊपर में क्लिक करने का बाद मेरे को यहाँ पे मांग रहे हैं कि कहाँ पर मेरे को सेव करना है। सपोज मैं वही नाम पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप दिखाओगे कि मेरे को यहाँ पे पिन नहीं मांग रहे हैं, इसलिए मेरे को पिन नहीं मांग रहे हैं। मेरा डीएससी ऑलरेडी इंसर्टेड हुआ है तो इसलिए मेरे को पिन नहीं मांग रहे हैं, इसलिए इतना ही काम है, ठीक है।